और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर ओम बिरला बने लोकसभा अध्यक्ष। आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, ओम बिरला बने लोकसभा के अध्यक्ष और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये राजस्थान के लिए भी बेहद गौरव की बात है। पीएम मोदी ने रखा ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव, दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ ये प्रस्ताव और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, कोटा से सांसद है ओम बिरला और उन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ओम बिरला को बधाई दी है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव और लोकसभा में ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और कोटा से सांसद हैं ओम बिरला, जो कि लोकसभा अध्यक्ष अब चुने जा चुके हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का ये प्रस्ताव रखा, जिसको कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और लोकसभा में ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पास हुआ और अब लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं कोटा से सांसद ओम बिरला।